आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के मित्रों के फितरत में ही अविश्वास भरा पड़ा है। हमने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जताया। कैसे हो सकता है भाई, गांधी जी भी आके गए, करके कह के गए, क्या हुआ? अब स्वच्छता कैसे हो सकती है? अविश्वास से भरी हुई इनकी सोच है। हमने माँ बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पे जोर दिया। और तब ये कह रहे क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जनधन खाते खोलने की बात की, तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जनधन खाता? उनके हाथ में पैसे कहाँ है? उनका जेब में क्या पड़ा है? क्या लेके आएंगे? क्या करेंगे? हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की, तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई। स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही, तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए, हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे? आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ अध्यक्ष जी। और ये विश्वास किस पर करते थे, मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते, भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था, ये इनकी प्रवृत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी
तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है? दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना पूरी कोशिश में लग जाती है।